हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। जैसा कि आप 3 दिन से मेरी स्टोरीज देख रहे हैं, मैं दार्जिलिंग घूम रही हूँ एंड ऑब्वियसली मैं भी किसी की स्टोरीज देखूंगी, ब्लॉग देखूंगी, वीडियो देखूंगी, तो मेरा भी मन करेगा यार कहाँ है ये जगह, कैसी है और क्या मैं दार्जिलिंग जाऊँ। मतलब किसी की भी, मतलब ऑब्वियसली जब मैं कहीं भी जाती हूँ दिल्ली से बाहर, मैं भी बहुत एक्सप्लोर करके जाती हूँ, ब्लॉग्स देख के जाती हूँ कि कहाँ जाया जाए, फिर गूगल पे सर्च करती हूँ क्या क्या अच्छा है क्या क्या नहीं है। सो इसी तरह मैं आपको आज कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी दार्जिलिंग के बारे में, मे भी आपको हेल्प कर सकती है जब भी आप दार्जिलिंग घूमने आए। तो बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने दिल्ली से सिलीगुड़ी की फ्लाइट ली, क्योंकि यहाँ पे सबसे नियर बाय एयरपोर्ट सिलीगुड़ी है, तो सिलीगुड़ी की फ्लाइट ली। सिलीगुड़ी से मुझे 3 घंटे लगते हैं दार्जिलिंग आने में, जो कि आप बाय रोड, मतलब बाय बाइक या बाय कार आ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं बाय कार आई थी, लकली मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा था जिसने मुझे बहुत जल्दी पहुँचा दिया। तो और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ का ना वेदर चेंज होता रहता है, एकदम से आपको लगेगा कि जैसे फॉगी फॉगी सा हो गया है, फिर एकदम से कई कई जगह आपको लगेगा धूप आ रही है, तो कहीं कहीं आपको हवा बड़ी तेज तेज लगेगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों को पता है दार्जिलिंग फेमस है अपनी चाय के लिए। सच में बता रही हूँ, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। मैं खुद ब्लैक टी पी रही हूँ इस टाइम पे। यहाँ पे ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड मिल्क टी, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टी, मतलब मैंने जो ट्राई करे हैं मुझे अच्छे लगे यार। मतलब मैंने घर के लिए भी लिए अपने, तो आप यहाँ पे चाय का मजा तो ले ही सकते हैं। साथ में इसको थोड़ा ना हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे पता है आपको 150 साल पुरानी टॉय ट्रेन है जो चलती है आज भी, एंड जो कि हम पहले देखते थे ना, वो मतलब क्या डालते थे, कोयले डाल के चलती है, तो वैसे ही ट्रेन भी चलती है यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा उसका, मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। बट उसमें ना मुझे एक छोटी सी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी गलत चीज़ है, बट मेरे को जो वर्थ इट नहीं लगी। मतलब यहाँ पे जो टॉय ट्रेन है उसकी टिकट 1600 समथिंग की है पर पर्सन, ओके। बट मुझे उसमें क्या लगा, एक तो ना आवाज़ बहुत है जिससे मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था सच में, एंड 2.5 आवर की राइड है, जो कि ना आपको एक बहुत छोटा सा सिटी टूर देगी, मतलब जो दार्जिलिंग के अंदर एरिया है वहाँ का एक टूर देगी 2.5 घंटे में। आपको रास्ते में गार्डन आएगा वहाँ भी दिखाएगी, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, बट थोड़ा सा नॉइस बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर ना एक चीज़ और वर्थ इट रही मेरी, जो कि थोड़ी सी टफ थी बट वर्थ इट थी। यहाँ पर ना टाइगर हिल व्यू पॉइंट है एक, वहाँ पर ना सुबह आपको सनराइज दिखता है, जो कि आपको, मतलब मैं 3 बजे उठी थी और मेरे 4 बजे अपना रूम छोड़ा था मैंने, और वहाँ पर 5 बजे पहुँची थी, और आप बिलीव नहीं करोगे वहाँ पर इतने सारे लोग थे। मतलब मुझे लग रहा था मैं अकेली हूँ जो सुबह उठी हूँ, बट नहीं, वहाँ पर इतने सारे लोग थे, और वो वर्थ इट था, वो ज़रूर देखिएगा, वो व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर है, तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर जापानीज एक टेंपल है जो कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई मुझे, और यहाँ के गार्डन फ्लावर्स आर अमेजिंग। मैं बता तो रही हूँ, नेचुरल ब्यूटी इज़ वेरी अमेजिंग इन द। और हाँ, हम कहीं भी जाते हैं हमें खाना तो बहुत अच्छा अच्छा चाहिए ही होता है, तो यहाँ पे मोमोज बहुत फेमस हैं और तिब्बतन कुजीन बहुत फेमस है। वैसे तो ये मल्टी कुजीन जगह है, हर जगह ज़्यादातर मल्टी कुजीन ही होती है, बट यहाँ की खासियत है तिब्बतन फूड एंड मोमोज। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे नॉन वेज ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं ये कहूँगी आप दार्जिलिंग आइए, फैमिली को लेकर आइए, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा खाने पीने का, घूमने फिरने का, एंड चाय का भी यार। सो आई होप आपको मेरी ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं अगली बार कहीं पे भी जाऊँ या कुछ छोटी मोटी चीज़ करूँ आपको IGTV वीडियो पे बताऊँ।